तो मैंने आपको बताया सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है नेचर, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं। तो इतना जो अरेंजमेंट या इतनी जो स्पेशल मैकेनिज्म एडॉप्ट की जा रही है या डेवलप की जा रही है प्लांट्स के अंदर नेचर के थ्रू जस्ट टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्यों की जा रही है, इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का क्या है, अपना कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, इसका खुद का क्या है, कोई सिग्निफिकेंस या एडवांटेज है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे इस सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हो सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत धीरे धीरे सोचें इस बात को कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि कम से कम प्लांट सेम होना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको यह समझना कि प्लांट एक इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम, तो हमारा अपना क्या है, एक जेनेटिक मेकअप है, एक हमारा क्या है, अपने अंदर कुछ सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, हमारी खुद की कुछ स्पेशल जीन या एलील्स प्रेजेंट है जिनकी वजह से हमारा करेक्टर अपीयर होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो क्या हो, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका एक यूनिक जेनेटिक एंडाउमेंट होता है, उसका एक यूनिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक स्पेशल जीनोटाइप होगा, और जीनोटाइप एक्सप्रेस करता है फीनोटाइप को, बाद में हम जेनेटिक्स में इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल में। तो जैसा जिसका होगा जीन या जीनोटाइप, वैसी होगी उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि फीनोटाइप, वैसी होगी उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि फीनोटाइप। तो अगर एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूं तो उसका एक पर्टिकुलर जीनोटाइप होगा, किसी दूसरे इंडिविजुअल की मैं बात करूंगा तो उसका किसी दूसरे तरह का जीनोटाइप होगा। लेकिन अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेट करें इन सारी बातों को, तो सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम होगा, और अगर प्लांट सेम है मतलब इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म सेम है, और एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर यूनिक जेनेटिक एंडाउमेंट होगा या उसका एक पर्टिकुलर जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक जीनोटाइप होगा। और अगर उसी प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, तो फॉर श्योर आप ये बात कह सकते हैं कि उन दोनों गैमेट का जो जीनोटाइप होगा या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो एक जैसा होगा, दोनों गैमेट जो है वो एक ही जैसे होंगे, उनमें जो जीनोम है, उनमें जो सेट ऑफ जीन है, सेट ऑफ अलील है, वो सिमिलर होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल ने प्रोड्यूस किया है उसको, एक ही फ्लावर में प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अगर उसी प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन रहे होंगे, तब भी यू विल मेक श्योर कि वो भी क्या होंगे, एक ही जैसे गैमेट्स होंगे, क्योंकि अभी भी क्या है, प्लांट तो सेम है, इंडिविजुअल सेम है, सपोज इंडिविजुअल जो प्लांट है वो टॉल है, कैपिटल डी कैपिटल डी, तो एक ही तरह के एलील बनेंगे जिसमें कैपिटल डी होगी, बाद में हम डिटेल में इसको पढ़ लेंगे जेनेटिक्स में। ओवरऑल अभी हमको एक बहुत छोटी सी बात ये समझना है कि एक इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक क्या होगा, जीनोटाइप होगा, और अगर वही इंडिविजुअल दोनों गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है तो गैमेट का जीनोटाइप भी एक ही जैसा होगा, और ऐसे सेम दो गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट जो एग्जैक्टली सिमिलर हैं इनके जेनेटिक्स में, वो फ्यूज करेंगे तो जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे या जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे या जो नई प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी वो भी क्या होंगे सिमिलर होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो एक ही जैसे गैमेट को फ्यूज करा रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे हम किसी दूसरे सोर्स से गैमेट को क्या नहीं कर रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक ही तरह के गैमेट जो फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन से, उससे जो नई जनरेशन ऑब्टेन होगी वो प्योर होगी फॉर द करेक्टर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का, प्योर लाइन प्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं प्योरिटी ऑफ फ्रेसेस। तो जो प्योर लाइन प्लांट्स हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या कराना पड़ता है, सेल्फ पॉलिनेशन। एक छोटी सी बात अभी सुन लीजिए, जेनेटिक्स में इसको डिटेल में करेंगे हम लोग। प्योर लाइन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने करेक्टर्स को प्रिजर्व करेंगे फॉर मैनी जनरेशन, कई जनरेशन तक अपने करेक्टर्स को क्या रखते हैं, ये कंजर्व रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर लाइन प्लांट। ये प्योरिटी ऑफ रेसेस की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी दूसरी तरह की मिक्सिंग नहीं होगी किसी अदर सोर्स से। और इसी बात का फायदा उठाया था मेंडल ने, मेंडल जब अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे, जब वो अपना पोस्टुलेट प्रपोज किया था मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट पे, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का बहुत फायदा उठाया था उन्होंने।
पी प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और पी प्लांट बायसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन करा करके मेंडल ने प्योर लाइन पेरेंट ऑब्टेन किया था। और हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मेंडल जो क्रॉसेस परफॉर्म किए थे अपने पॉशुलेट को प्रपोज करने के लिए, उसमें हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में ये सेल्फ पॉलिनेशन टेक्निक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया था, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सकें, प्योर लाइन प्लांट। और मेंडल जो इनिशियल पेरेंट्स यूज करते थे वो हमेशा प्योर लाइन लेते थे, इसीलिए मेंडल को इस बात का बहुत ज्यादा हेल्प भी मिला, बहुत फायदा भी मिला कि सेल्फ पॉलिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, प्योर लाइन प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, प्योर लाइन प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हम करेक्टर्स को यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं, करेक्टर्स को मिक्स करने से रोक पा रहे हैं। तो अगर करेक्टर मिक्स नहीं होगा यहाँ पे, तो हम अगली जनरेशन में आने वाले करेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो अभी हम सिर्फ ये समझ पा रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टू ऑब्टेन प्योर लाइन प्लांट, या प्योरिटी ऑफ रेसेस के लिए क्या है ये एडवांटेजियस है, क्या सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो हमको याद रखना है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वो ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन में अभी हमने आपको बताया कि अरेंजमेंट ऐसा होगा कि अगर एक भी पॉलिन ग्रेन रिलीज होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करे। अभी मैंने आपको बताया था सनफ्लावर में घूम जाते हैं फिलामेंट, विंका या कैंथरथस में फिलामेंट के घूमने के साथ साथ स्टिग्मा जो है वो ब्रॉड हो जाती है, ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है। और तो और क्लिस्टोकैम्बस फ्लावर में हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा फ्लावर हमेशा बंद ही रहता है, यानी कि यहाँ पे टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, सेल्फ पॉलिनेशन की। और यहाँ पे हमें किसी एजेंसी या किसी एजेंट की जरूरत नहीं हो रही है पॉलिन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने के लिए, जैसा कि क्रॉस पॉलिनेशन में जरूरी हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे। तो अरेंजमेंट ऐसा है, फ्लोरल पार्ट्स या स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन ऐसा है कि पॉलिन ग्रेन खुद ही लैंड कर जाएंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, यानी कि यहां पर जरूरत नहीं होगी किसकी, पॉलिनेटर्स की बिल्कुल भी नीड यहाँ पे नहीं होगी हम कह सकते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि यहाँ पे पॉलिनेशन पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि डिपेंडेंसी पूरी खत्म हो गई है पूरी तरीके से यहाँ पे पॉलिनेटर्स पे फॉर द पॉलिनेशन। जैसा कि कॉलरूटर ने बोला था कि पॉलिनेशन बिकम्स एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड इंसेक्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, और इंसेक्ट को तब हम क्या बोलते थे, पॉलिनेटर्स बोलते थे। लेकिन क्लिस्टोकैम्बस फ्लावर की अगर हम बात करें एक्सक्लूसिवली, तो यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है किसी तरीके के पॉलिनेटर्स की। तो पूरी तरीके से क्लिस्टोकैम्बस फ्लावर एक ऐसी अडॉप्टेबिलिटी है नेचर की जहाँ पे पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है किसी दूसरे एजेंट पे। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का बहुत स्पेशल मैकेनिज्म हो गया, यानी कि पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। और मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेटर्स तो विलिंगली या एक्टिवली तो करा रहे नहीं है पॉलिनेटर्स जो है वो, उनको तो पता नहीं है कि हमें पॉलिनेशन कराना है, या उसके लिए तो वो बने नहीं है। पॉलिनेटर्स या जो इंसेक्ट्स हैं, मधुमक्खियां जो हैं, वो तो नेक्टर चुराने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी फ्लावर टू फ्लावर विजिट करती रहती हैं, एंड धोखे से कह सकते हैं या फिर पैसिवली ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वी कैन से फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन बोल देते हैं। तो पॉलिनेटर्स जो हैं वो विलिंगली पॉलिनेशन नहीं करा रहे हैं, वो फ्लावर पे आते हैं किसी स्पेशल स्ट्रक्चर को लेने के लिए, या फिर वहाँ अंडे देने के लिए, वो भी पोजीशन साइट सर्च करने के लिए, या फिर वहाँ पे एडिबल पार्ट सर्च करने के लिए आते हैं, या नेक्टर चुराने के लिए आते हैं। इस वजह से फ्लावर टू फ्लावर मूव करते रहते हैं इस पर्पस के लिए, और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता रहेगा। तो जो प्लांट के फ्लावर पॉलिनेटर्स पे बहुत अच्छे तरीके से डिपेंड करते हैं कि उसमें सिर्फ पॉलिनेटर्स ही प्लांट में पॉलिनेशन करा सकता है, बाद में पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें किसी एक ही पर्टिकुलर पॉलिनेटर्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा, कोई दूसरा एजेंट पॉलिनेशन भी नहीं करा सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी हमको ये समझना है कि अगर प्लांट डिपेंड करेंगे किस पे, पॉलिनेटर्स पे, और पॉलिनेटर्स चूंकि पॉलिनेशन के लिए नहीं बने हुए हैं, पॉलिनेशन कराना उनका एम नहीं है, तो प्लांट को कुछ ना कुछ उनको रिवार्ड ऑफर करना पड़ेगा, कुछ लालच देना पड़ेगा पॉलिनेशन के बदले में, कुछ ऑफर करना पड़ेगा पॉलिनेटर्स को, तभी तो पॉलिनेटर्स विजिट करेंगे फ्लावर पे।
तो इसी वजह से ऐसे फ्लावर जो होते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, उनके कोरोला या पेटल्स बहुत फुली डेवलप होते हैं, एक यूनिक फ्रेग्रेंस होता है, एक कह सकते हैं ब्यूटीफुल कलर होता है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में लार्ज अमाउंट में कुछ सुगरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे ताकि एडिबल पार्ट ऑफर कर सके, उनको बैठने की जगह दे सके, लार्ज पेटल वगैरह होंगे तभी पॉलिनेटर्स वहां पे क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो अगर यहाँ पे पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है तो इन सारे तामझाम की भी जरूरत नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करना पड़ेगा इनको अपने कोरोला को, ये सिग्निफिकेंस है। बहुत ब्राइट कलर या सिग्निफिकेंट फ्रेग्रेंस नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये भी एक क्या है एडवांटेज है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नेक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो है इसको ऑफर करने की जरूरत नहीं है प्लांट को बेवजह। और एक आखिरी एडवांटेज इसका जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है उसमें अगर एक भी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा जरूर से जरूर क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, क्योंकि इसमें एश्योर्ड सीड प्रोड्यूस होंगे। और सनफ्लावर में हमने आपको बताया था कि जो फिलामेंट है वो बेंड कर जाते हैं ओवर द स्टिग्मा, इसी तरीके से कैंथरेंथस में स्टिग्मा ब्रॉड हो जाती है कर्व होने के साथ साथ, यानी बेंडिंग के साथ साथ। तो यहाँ पे अगर बहुत कम या ये कह सकते हैं कि लीस्ट नंबर में भी अगर पॉलन ग्रेन आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ एंथर रिलीज हो रहे हैं तो टेंडेंसी होगी कि पॉलन ग्रेन्स रीच करें या लैंड करें ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे हमको पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस को बहुत लार्ज अमाउंट में क्या नहीं प्रोड्यूस करने की जरूरत है, पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया या कह सकते हैं कि एडवांटेज हो गया कि जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं उसमें जो मेल गैमेटोफाइट यानी कि जो पॉलन्स होते हैं उनको लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम नंबर में भी अगर प्रोड्यूस होंगे तो भी क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ये इनके क्या है इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं इसके सेल्फ पॉलिनेशन के। अगर एडवांटेज है तो इसमें डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे डिसएडवांटेजेस किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। तो सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके लिए बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, इसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में हो रहा होगा तो उसको ऑटोगैमी, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा होंगे उसको जेटेनिगैमी, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसको। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच सके फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली एक काम के लिए कि ये प्रोड्यूस करेंगे नए कॉम्बिनेशंस, यानी कि यहाँ पे आने वाली है वेरिएशन। तो नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आ रहे थे, सिमिलर टाइप की प्रोजनीज प्रोड्यूस हो रही थी, तो वहां पे वेरिएशन ना आने की वजह से इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से नेचर ने डिसाइड किया कि ऐसी मैकेनिज्म रिप्रोडक्शन की ढूंढी जाए जहां पे वेरिएशंस आए, नए कॉम्बिनेशंस आए, ताकि एडेप्टेबिलिटी आए, ताकि क्या हो सके, इवोल्यूशन हो सके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो पूरा का पूरा तामझाम है, बहुत सारी इसमें सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म डेवलप की गई, जैसे कि मियोसिस या फिर फर्टिलाइजेशन, वाइटल एंड क्रिटिकल प्रोसेस जैसी डेवलप हुई इसीलिए, ताकि क्या आ सके, नए कॉम्बिनेशन आ सके, वेरिएशन आ सके, अडेप्टेशन आ सके, और क्या हो सके, इवोल्यूशन हो सके, स्पीसीज इवॉल्व होती रहे, नई नई स्पीसीज बनती रहे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है नेचर की, जिसको हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा केवल, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन और पॉलिनेशन अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही इवेंट है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहे तो वेरिएशन तो रुक गया ना, इवोल्यूशन तो रुक गया ना। तो यानी कि इतना जो तामझाम किया नेचर ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ताकि वेरिएशन आ सके, इवोल्यूशन हो सके, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो इन सारे तामझाम के, इन सारे अरेंजमेंट की धज्जियां उड़ा के रख दिया है। यानी कि यहाँ पे इवोल्यूशन जैसी बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस हार्ट कर जा रही है। तो यही इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यही इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि सेल्फ पॉलिनेशन में नए कॉम्बिनेशन ना आने की वजह से वेरिएशन नहीं आते हैं, वेरिएशन ना आने की वजह से अडेप्टेबिलिटी नहीं रह जाती है, और अडेप्टेबिलिटी या अडेप्टेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन इज कि यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं,
जिसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन वेरिएशन नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो यहाँ पे एडेप्टेशन नहीं होगा, एडेप्टेशन नहीं होगा, और अगर यहाँ पे एडेप्टेशन नहीं होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ इवोल्यूशन, ये क्या कर जाएगी, हार्ड कर जाएगी। यानी क्या नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एडवांटेज है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज था इवोल्यूशन, जो कि डिसएडवांटेज था किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसी तरीके से यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसका डिसएडवांटेज हो गया, बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया क्या, इवोल्यूशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होना चाहिए, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन किया जाएगा या कराया जाएगा तो इवोल्यूशन हार्ड कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, ड्रॉबैक क्या, डिसएडवांटेज है। ड्रॉबैक क्या क्या है इसका, डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका जो है, ये हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस जो प्रोजनीज हैं वो जनरली सुपीरियर होती हैं अपने दोनों ही पेरेंट के, क्योंकि मेल पेरेंट से मेल गैमिट, फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमिट आएगा, मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल एंड फीमेल पेरेंट के क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे, वो दोनों इंटरमिंगल हो जाएंगे जायगोट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो जायगोट से जो प्रोजनी डेवलप होगी उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट के करेक्टर होंगे, यानी कि जो मेल एंड फीमेल के करेक्टर हैं वो प्रोजनी में जरूर प्रेजेंट होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाली प्रोजनीज जो है उनमें दोनों मेल एंड फीमेल पेरेंट के करेक्टर्स होते हैं, इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फादर एंड मदर दोनों से क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में आप सोचिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में ये सुपीरियरिटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि यहां पे जो जेनेटिक सुपीरियरिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड अ रिपीटेटिव सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, इसको भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे जेनेटिक्स में। और यहां पे प्लांट की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्लांट की इम्यूनिटी डिक्रीज होने से मतलब आप ये समझिए कि अगर सेम जेनेटिक्स होगी बार 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 बार, तो जीन सेम होने की वजह से एमआरएनए सेम बनेगा, उससे प्रोटीन सेम बनेगी, उससे एंटीबॉडी जो होंगी वो सेम बनेगी। तो कोई एक पर्टिकुलर पैथोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर प्लांट पे, तो प्लांट बार 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 एक ही तरीके की प्रोटीन्स बनाएंगे, तो जो एंटीबॉडीज हैं वो भी सिमिलर टाइप की बनेंगी, और कोई एक पर्टिकुलर पैथोजन बार 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 उस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, और उस प्लांट की डिजीज से लड़ने की एडेप्टिबिलिटी जो है, जो डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी जो है, वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यानी कि जो इसका इम्यून पावर है वो कमजोर हो जाएगा, इम्यूनिटी इसकी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, या इम्यूनिटी इसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, और पांचवा इंपॉर्टेंट इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका जो चांस ऑफ सर्वाइवल है, वो भी लेस होगा, यानी कि कम हो जाएगा। चांस ऑफ सर्वाइवल कम क्यों हो जाएगा, हमने आपको बताया कि जैसा होगा जिसका जीन, जैसा होगा जिसका जीनोटाइप, वैसा होगा उसका फीनोटाइप, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी। तो मान लो कोई एक प्लांट है, उसको बार बार कोई एक एनिमल या प्रीडेटर खा जाता है, तो अगर बार 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 वो एक ही शक्ल और सूरत का प्लांट रहेगा, कोई उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके जेनेटिक्स और जीनोटाइप सेम है, तो बार बार प्रीडेटर उसको बहुत आसान तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेगा बहुत आसानी से, और उसको खा जाएगा। यानी कि इसके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो चांस ऑफ सर्वाइवल भी प्रोडक्ट या प्रोजेनी का क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये क्या है इसका डिसएडवांटेज है। तो ये पांच डिसएडवांटेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हमको ये याद रखना है सेल्फ पॉलिनेशन का, कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे जिसकी वजह से इवोल्यूशन रुक जाएगा। और एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमको यहाँ पे डिसएडवांटेज, यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे इसी चैप्टर में, ट्वेल्थ क्लास में ही। और इम्यूनिटी कम हो जाएगी, चांस ऑफ सर्वाइवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इनकी जो जेनेटिक सुपीरियरिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी इनके पेरेंट्स से। इतनी बात आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, इसके बाद जो हम लोग वीडियो करेंगे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के डिस्कस करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन इटसेल्फ दो तरीके का होगा, जैसे कि पॉलिनेशन दो टाइप्स का है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उसी तरीके से हम सेल्फ पॉलिनेशन को फर्दर कैटेगराइज करेंगे इन टू मेन कैटेगरीज और टाइप्स, वन इज ऑटोगैमी और जो दूसरा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज़िगैनोगैमी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्फ पॉलिनेशन को फर्दर क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिन।
तो इतना आप रिवाइज करिए, सेकेंड वीडियो में मतलब अगले जस्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये खुद दो तरीके का हो सकता है, वन इज ऑटोगैमी एंड सेकेंड वन इज ज़िटेनोगैमी। और कौन कौन से प्लांट में ऑटोगैमी होगी, कौन कौन से प्लांट में ज़िटेनोगैमी होगी, कौन से प्लांट में किस मैकेनिज्म के थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके okay?